जीवन के लिए मंगलभूत हो, इस भावना को लेकर के हम आज यहाँ भगवान पारसनाथ स्वामी की छाया में विराजमान हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे पारसनाथ भगवान, जैसे सामर्थ्य, जैसी क्षमता, जैसी क्षमता, जिस प्रकार की सौजन्यता, जिस प्रकार की सहनशीलता, जिस प्रकार की सहिष्णुता आपने प्राप्त की है, हे भगवन, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, यही भावना भाता हूँ कि वही समता, वही क्षमा, वही पावर, वही ऊर्जा मेरे अंदर जागृत हो जाए, मेरे अंदर जो सोई पड़ी शक्ति है, बस उस शक्ति को मैं जगाने के लिए आपके पास आया हूँ। बस भक्ति का मेरा इतना ही ध्येय, और वास्तविक में भक्ति करने का लक्ष्य भी यही होता है, शक्ति को जगाना। किसको? अगर छोटी सी परिभाषा अगर कोई पूछे कि भक्ति का अर्थ क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां से सोई हुई परमात्मा शक्ति को जगाया जाता है उसका नाम भक्ति है। आपके अंदर भी अपार क्षमता है, आप भी उसी शक्ति से युक्त हैं, लेकिन आपकी शक्ति आवृत है, ढकी हुई है। आप ये मतलब कि हम कमजोर हैं, लोग कहते ना हम कमजोर हैं, अरे आप कमजोर नहीं है, लेकिन आपका जोर कम है इसलिए कमजोर है। जिस दिन अपना जोर आप पूरे पावर के शक्ति के साथ लगा दोगे, उस दिन आप कमजोर नहीं रहेंगे, आप जैसे लोग भी वही शक्तिमान बन जाएंगे। शक्तिमान सीरियल नहीं, शक्तिमान का मतलब होता है उस परमात्मा शक्ति को जगाने वाला, उस शक्तिमान की बात कर रहा हूं। और वो शक्तिमान अगर कोई है तो परमात्मा के पथ पर चलने वाले साधक हैं, उस पर चलने वाले आराधक हैं, वही शक्तिमान है। आज हम उत्तम क्षमा धर्म को देखेंगे, और कितना अच्छा नियोग है कि पारसनाथ भगवान जहां बैठे हो तो फिर क्षमा का पाठ शब्दों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा का पाठ प्रैक्टिकल सीखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल अगर किया है तो वो पारसनाथ भगवान ने किया है, इसलिए पारसनाथ बन गए हैं। और अगर हम अपने जीवन में क्षमा को प्रैक्टिकल के रूप में स्वीकार कर लें तो मुझे भी पारसनाथ बनने में समय नहीं लगेगा। तीन दिन का भूखा भिखारी, नगर सेठ की हवेली के पास पहुंचा वही भिखारी, तीन दिन का भूखा था। नगर सेठ की हवेली के नीचे खड़ा पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है कि मैं तीन दिन से भूखा हूं, मेरे लिए कुछ प्राप्त हो जाए, मिल जाए। लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती है। कुछ समय बाद देखा सिटानी ने झांक करके देखा, एक भिखारी खड़ा हुआ है। उसने फिर आवाज लगाई, सिटानी के कान तक पहुंची और उसने अनसुना कर दिया। फिर से आवाज लगाई,
फिर कान में पहुँचे, उसने कहा कि जाओ तुम आगे बढ़ो। क्या बोला? जाओ तुम आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है। और जब बार बार कहा तो सिद्धाने को गुस्सा आ गया। कौन था मालूम? नगर सेठ, उसके सिद्धाने, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अपार संपदा है, लेकिन अगर कमी है तो हृदय की है। कीमत संपत्ति की नहीं होती है ज्ञानियों, कीमत हार्दिकता की होती है। संपदा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनको महान नहीं कहा जाता है। दुनिया में महान वो लोग बनते हैं जो महान कार्य करके गुजर जाते हैं, जो महान ताका कवच धारण करके लोगों के दिल में उतर जाते हैं, वो महान होते हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। जो दिल में उतरते हैं वो महान हैं, और वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, और जो दिल से उतर जाते हैं वो रावण और कंस की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए कोई याद भी करता है तो दिल से याद नहीं करता है। याद भी करेगा तो आपको दृष्टांत देने के लिए बतलाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और महापुरुषों को याद करेगा तो दिल से याद करेगा कि बनो ऐसा बनो। ध्यान देना, बहुत संपत्ति थी लेकिन ऐसी संपदा किस काम की जो भूखे का पेट न भर सके। तिजोरियों में रखी रखी खराब हो जाए, और अब तिजोरियों में नहीं रहती, अब तो बैंकों में रहती है। कई बार तो ऐसा है संपदा होती है और वो बैंकों में ही रह जाती है और वो चला जाता है। क्या किया? जीवन में न दान किया, न पुण्य किया, और न अपने जीवन में कोई महान कार्य किया, चला गया बेचारा। पर उसको शब्द को आचार्य बोलते हैं, बेचारा चला गया। हर किसी को बेचारा नहीं बोलते हैं, ऐसे को बेचारा बोला जाता है। तो चलते हैं, उस सेठानी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, सुबह सुबह आ जाते हो मेरा दिन खराब करने के लिए, जाओ यहां से आगे देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे ही आवाज सुनी भिखारी ने, तो उसने कहा, एक काम करो, आप मेरे साथ आ जाओ। नहीं समझे बात को? जब उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा मेरे साथ आ जाओ, एक कटोरा आपको दे दूंगा। और वो पोंछा लगा रही थी सिटानी, तो उसने पोंछा वाला जो कपड़ा था उस भिखारी को ऊपर से दे मारा, और उस भिखारी ने उस पोंछे वाले कपड़े को हाथ में लिया और सिटानी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद दिया। और उस कपड़े को ले जाकर के भिखारी साफ करके स्वच्छ करके शाम को मंदिर में पहुंचता है, दीपक जलाता है और उस कपड़े की बाती बनाता है, और उस दीपक में लगा करके प्रज्वलित करता है, और दीपक हाथ में लेकर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा जिस प्रकार ये दीपक जगमगा रहा है उसी प्रकार उस चिट्टाने के हृदय को जगमगा देना। क्या कह रहा है?
जिस प्रकार ये प्रकाश कर रहा है उसके हृदय में भी प्रकाश भर देना। क्या भावना भा रहा है भिखारी, ये उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति है। किसकी? उत्तम क्षमा की अभिव्यक्ति है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया है लेकिन तुम उसके साथ प्रतिक्रिया ना करके, प्रतिशोध ना करके, अपितु शोधन करने की भावना रखो। क्या? प्रतिक्रिया और प्रतिशोध ना करके शोधन की भावना रखना और उसके प्रति भी हित की भावना से भरे रहना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। क्या रखा हुआ है? हम सोचते हैं हम पहले हाथ जोड़ लेंगे। अगर तुम पहले हाथ जोड़ लोगे तो तुम छोटे नहीं होंगे। पहले हाथ जोड़ने वाला ही सबसे बड़ा होता है, महान होता है। इसलिए महापुरुष तो हमेशा ही हाथ जोड़ते हैं। साधु पुरुष सुबह से उठकर के शाम तक जब जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्रियों के प्रति हाथ जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं। खम्मा में सब जीवाणाम, सभी जीव मुझे क्षमा करे, मैं सबको क्षमा करता हूँ। ये भावना हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ने वाला सरलता के साथ, क्षमा का मतलब ही नहीं है एकदम हृदय की विशुद्धि, ऐसा नहीं गलती को क्षमा कर दो वो तो कसाय दिख रही है। हमने मांग तो नहीं क्षमा, कितने बार मांगेंगे हम तुमसे? नहीं बाबा, ये भी कसाय झलक रही है, कसाय झलक रहे हैं। हृदय की विशुद्धि होती है ना, चेहरे पर मुस्कान होती है, क्या होती है? अगर हृदय में क्षमा आती है तो चेहरा खिलता है, आभा मंडल अच्छा बनता है, प्रसन्नता आती है, मुस्कान आ जाती है और एक स्माइल के साथ आभा मंडल हो आदर्श देखो खिल गया ना, ऐसा एकदम आभा आ जाए, खिल जाए दुलीचंद जी ज्ञानी। हाँ, ऐसे तुम हाथ जोड़ करके बैठ रहो, पक्का है यहाँ से हाथ जोड़ करके रहोगे तो संस्कार हो जाएंगे दीक्षा के महाराज। मैं तो बार बार प्रेरित कर देता हूँ, बुरा नहीं मानना, अच्छी भावना के साथ सबको प्रेरित करता हूँ। मेरी तो भावना रहती है हृदय की सबके प्रति, लगाव है आपसे, ऐसा लग रहा है मेरा लगाव कुछ आपसे ज़्यादा है। हाँ ज्ञानियों, उत्तम क्षमा धर्म है, क्रोध नहीं करना, क्योंकि कसाय बहुत एकदम जहरीली है। पता है वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया था, पढ़ा होगा आपने, न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और एक क्रोधी व्यक्ति का रक्त लिया। क्या लिया? सौरभ भैया, क्रोधी व्यक्ति का रक्त लिया और उस रक्त को कहाँ प्रयोग किया? एक खरगोश पर, गोलू यानी कहाँ? खरगोश पर, और उसको इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया। अनिल भैया, वह खरगोश शांत बैठा था, थोड़ी देर में उछलने कूदने लगा, उछलते 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 इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, तड़पने लगा चिक्की भैया, और तड़पते तड़पते एक घंटे में, कितना समय लगा? एक घंटे में वह प्राणांत हो गया, एक घंटे में प्राणांत हो गया खरगोश, इतना जहरीला खून था। किसका? क्रोधी व्यक्ति का इतना जहरीला खून होता है, जहर दौड़ने लगता है। क्यों? ऐसी कोशिकाएं जो विष छोड़ती हैं, जैसे ही आप क्रोध उत्पन्न करते हैं तो कोशिकाएं वो विषैली हो जाती हैं और रक्त को भी दूषित कर देती हैं और वो रक्त वाहिनी के माध्यम से जहर फैलता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रोध महाविश्रूप, अभिमान महाविश्रूप आएगा, मैं कह रहा क्रोध पहले विश्रूप है, क्रोध महाभयंकर है। इसलिए सबसे बड़ा अजगर अगर कोई है तो क्रोध है ज्ञानियों। इसलिए इस क्रोध से बचो, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया किसके? क्रोध के पास है। तो अपने जीवन में
हम क्रोध से बचें, क्रोध का त्याग करें, बैर नहीं, पत्थर की रेखा नहीं, पृथ्वी की रेखा नहीं, धूलि की रेखा नहीं, जल रेखा। एक पाषाण की तरह होता है, दूसरा पृथ्वी की तरह, पृथ्वी में भूमि में रेखा बन जाती है। पाषाण का तो कितना भी पानी डालो वो रेखा मिटने वाली नहीं है, बहुत कठोर होती है। पत्थर से कुछ पाषाण की भूमि की रेखा है, पानी वगैरह गिरता है तो धीरे धीरे मिट जाती है। और तीसरी रेखा होती है धूलि, धूलि के अंदर रेखा आंधी वगैरह आती है, बराबर हो जाती है। और चौथी प्रकार की जो होती है कैसा है, वो जल की रेखा की तरह होती है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं जल की रेखा इधर खींची उधर मिट्टी, इधर खींची उधर मिट्टी। अच्छा है क्रोध नहीं करना, और आ भी गया तो बना के मत रखो, तत्काल वही पर क्षमा भाव कर लो। मुर्राज के अंदर अंतर मुहूर्त की अगर कसाई आ भी जाती है क्रोध, संजलन क्रोध आ भी गया, इधर पल भर के लिए आया, पल भर में समाप्त हो गया। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा चला गया तो गुरुस्थान गिर जाएगा। देशवृत्ति है, चुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, चुल्का माता जी हैं, वृत्ति जन हैं, ये देशवृत्ति कहलाते हैं। अगर और अगर इनकी अंदर बनती भी है तो 15 दिन के अंदर समाप्त कर देना चाहिए। कितना ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 15 दिन से अंदर एक पक्ष अगर एक समय भी ऊपर हो गया तो ये गुणस्थान गिर गया इनका। क्या हो गया, बाहर में भेष बना रहेगा, अंदर भी गिर जाएगा, इसलिए कसाई नहीं करना चाहिए। और अवरत सम्यक दृष्टि भी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आता है 6 महीने के अंदर तो क्षमा कर ही लेना चाहिए, नहीं तो वो अनंतानुबंधी चला गया, मिथ्यात्म में चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और हमेशा ये नहीं कि गांठ बांध करके रखना, मैं तो ये कहता हूँ कि पल पल में क्षमा भाव रखो। उत्तमे तो क्षणम कोपे, उत्तम व्यक्ति जो वो है एक क्षण के लिए आ गया और क्षण मात में चला गया। मध्य में तो घटका द्वयम, 2 घड़ी तक कसाय रखने वाला मध्यम है। अधमी तो अहोरतकम, अधम वो है दिन रात कसाय में लगा हुआ है, 24 घंटे जिसके अंदर बन जाती हैं वो अच्छा नहीं, अधम है। और मरणांत का चंडालो, मरणांत का, और जो मरण पर्यंत भी कसाए बना करके रखे हैं उसको चंडाल कहा गया है। और देखा जाए तो क्रोध को ही चंडाल कहा है। क्या कहा है, क्रोध ही सबसे बड़ा चंडाल है। इसलिए क्रोध जब जब आता है तो समझ लेना हम चंडाल हो गए। क्या हो गए, चंडाल हो गए, अब तुम छूने लायक नहीं बचे। हाँ, इसलिए इस चंडाल को अपने जीवन में ना आने दे, बस इतनी ही बात आपसे करना है। हम क्रोध से बचें, अपने क्षमा धर्म को अंगीकार करें, शेष चर्चा सायंकाल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, हाथ जोड़ लेंगे, 3 बार जाप कर लें, ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाई नमः, ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाई नमः, ओम रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाई नमः, उत्तम क्षमा धर्म की